हाँ जी, की हाल चाल। आई होप एकदम ठीक एंड मस्त होने। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग एंड न्यू डे के साथ। तो सुबह सुबह एक इन गुड मॉर्निंग आप सभी को पहले इन पहाड़ों की ओर से। आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ पहाड़ों में आकर। आपको जैसे कि पता है कि मैं यहाँ अपने पुराने घर में आया हूँ। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है पुरानी, तो डिस्क्रिप्शन में अभी भी लिंक डाला हुआ है, मैंने जाकर देख सकते हो। तो एक बार यहाँ से व्यू की बात की जाए ना, यहाँ से देख ही सकते हो। मगर आजकल ना यहाँ पे सुबह सुबह और शाम के टाइम धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पे इतना बढ़िया आपको व्यू आजकल देखने के लिए नहीं मिलेगा। वक्त पहाड़ों को देख ही सकते हो और यहाँ के रास्ते देख सकते हो ना गाइस, किस तरह के रास्ते देख ही सकते हो। ये किस तरह से जैसे सांपों की तरह बने हुए एकदम। यहाँ पे भी काफ़ी मतलब गांव भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और देख सकते हो रास्ते, देख सकते हो किस तरह के रास्ते हैं। और उधर भी पार देखा जाए तो कनोल, जिसे इस गांव जो पार दिख रहा है गांव, इस जगह का नाम है कनोल। और यहाँ के रास्ते भी देख सकते हो किस तरह के रास्ते बने हुए हैं। और काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यार यहाँ का ना। तो इनके जो पहाड़ी इलाकों में घर होते हैं ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद बस। और यार यहाँ पे उस तरफ पहाड़ी तरफ देखा जाए ना, वो भाई साहब उधर देखा जाए तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल गिरती है। मगर इसमें ना गिरना स्टार्ट हो जाती, पता नहीं इस बार क्यों नहीं गिरी। और अगले मंथ तक मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल गिरेगी, तब देखे जाएंगे। अगर आने की इच्छा हुई तो तब आएंगे एक बार फिर से आपको स्नोफॉल दिखाने के लिए। और इनके आपको, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो कि हमारे शहीद तिलकराज जी जो शहीद हुए थे, उनकी जो मेरी प्यारी मोनिका की गानों की शूटिंग हुई थी, आपको वहां पर भी लेकर जाऊंगा। काफ़ी अच्छा व्यू था, मतलब आज भी है, काफ़ी वधिया व्यू में उन्होंने शूटिंग की थी, उस चीज़ से आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलो अभी घर में चलते हैं, आपको घर का व्यू दिखा देते हैं। और यहाँ की बगड़ियाँ जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में बोलें खेत, तो काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी बढ़िया तरीके के यहाँ से एकदम इनका खेत दिखाई देते हैं। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इन्होंने भेजा हुआ है सरों सरों ही ना। और यहाँ की इनकी बगड़ियाँ देखे जाए तो खेत रो रहा है। यहाँ की बगड़ियाँ देखे जाए काफ़ी मस्त तरीके को, देख सकते हो जी कुंदू भी इन्होंने लगाए हुए हैं घास के पशुओं के चारों के लिए, देख सकते हो। आई मीन काफ़ी मस्त तरीके का व्यू दिखाई देता है गाइस यार यहाँ से ना, देखते हो कितने मस्त तरीके का है। और यहाँ पे ना आपको हर जगह ये खेत में जो लगे हुए हैं कुंदू देख सकते हो, घास के फिर जो कुरकैला होता है उसके भी सर करके आपको देखेंगे जरूर यहाँ पे, देख सकते हो ऊपर तक लगे हुए हैं जहाँ तक घर है। और इससे ऊपर जब जाऊँगा आपको जरूर दिखाऊँगा वीडियो। तो अभी घर में चलते हैं, आपको एक बार इनके घर के व्यू भी दिखा देता हूँ। काफ़ी मस्त तरीके का टाइमिंग व्यू है, जैसे कि पुराने टाइम के घर भी हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा पक्के घर नहीं है, मगर यहाँ पे एक दो ही ऐसे घर होंगे, मगर यहाँ पे ना स्लेट वाले घर ज़्यादा करी हैं। काफ़ी पुराने घर हैं तो काफ़ी अच्छे घर होते हैं, आपको पता ही ना। इस स्लेट के घर में गर्मी के टाइम मतलब इतनी गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी रहती है। तो चलो आपको दिखाते हैं उसे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे शहीद तिलकराज की मेरी प्यारी मोनिका के गाने की शूटिंग हुई थी, उसी जगह पे जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ का, तो अभी जा रहे हैं, देख सकते हो पीछे का व्यू। मगर ना इसमें तो यहाँ पे ना धुंध सी पड़ चुकी है, जिसके कारण कि इतना अच्छा यहाँ पर व्यू नहीं दिखाई देगा। तो चलो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। चलो ₹50 का डोर एक्टिंग।
few moments later. Guys, यार finally मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ. देख सकते हो यहाँ की श्री तिलकराज जी ने अपने गाने की शूटिंग की थी और काफ़ी बढ़िया व्यू था. इस मुझे काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है और काफ़ी अच्छा व्यू भी है. मगर इस बार ना इतना बढ़िया तो व्यू नहीं, मगर जब स्नोफॉल गिरती है ना उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ का एकदम मस्त तरीके का व्यू दिखाई देता है. वो पीछे आप इन घरों को भी देख सकते हो, काफ़ी मतलब टाइम के सबसे पुराने घर हैं ये. तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इनको किस तरह से है ये घर. यार देख सकते हैं इनकी चिनाई ना किस इस तरह पत्थरों से की गई है पहले पूरे के पूरी. चलो आपको मैं पहले अंदर लेके चलता हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतने बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है. आई मीन जहाँ भी आप देखोगे ना पत्थर ही पत्थर हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं रहेगी लगेगी आपको, मतलब सर्दी के टाइम में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया. दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे भी यही सिस्टम है. और ऊपर जाने के लिए देख सकते हो यहाँ पे खाना बनाना जो भी है यहाँ पे रखी हुई है, चूल्हा लगाया हुआ है. इस तू क्या कर रहा है? नह पोश लगा लगा दे लड़की ही है ना. ये तो यहाँ पे मतलब रहते ही थे पहले भी, वो देख सकते हो काफी बढ़िया. मतलब यहाँ पे पत्थरों से चिनाई की गई है तो यहाँ पे इतनी ठंड तो नहीं लगती होगी. हाय गाइस, बहुत तेज हो रहा है. अभी टाइम पहले का ही घर बनाया गया है तो अभी चलते हैं ऊपर, मंदिर भी है और आपको वो दिखाते हैं. और ये दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा शर्मा रही है मतलब आई मीन कब की मतलब ऐसे ही वीडियो में आने से काफ़ी देर की शर्मा रही है. कब की मतलब आ ही नहीं रही वीडियो में. तो चलो आपको मंदिर दिखाते हैं. आप शर्मा क्यों रही हो? नहीं शर्मा क्यों रही हो आप? गजब बेइज्जती है. कंट्रोल कंट्रोल. और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी. क्या है ये, क्या है ये? मुझे बोल रही कि मेरा चेहरा तो आया नहीं तो डर क्या महल है भाई. चेहरा दिखा देते हैं आपको, चेहरा भी दिखा दिया दोनों का. भाई मेरे शूज यहाँ पे काफी ज्यादा खिसक रहे हैं. तो चलो आपको मंदिर दिखाते हैं. के बल्दी, अच्छा बोल रही आप वीडियो बना देख. बोल आप वीडियो बनाने के लिए बोल रही मेरे को, कहाँ गई? आप तो कर दो हाय दोनों से. किसी ने सही बात कही, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है. इतनी देर की नहीं निकलती है ना. तो काफी मैं मंदिर में पहुंच चुका हूँ, तो देख सकते हो मंदिर को. मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे. और यहाँ पे भी इसी टाइप का, जैसे कि नीचे बताया पहले बताया मैंने आपको किस तरह से ही घर हैं, देख सकते हो काफ़ी पुराने टाइम के. नीचे भी हैं काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लोग रहते भी होंगे. और अंदर यहाँ पे देख सकते हो थोड़े घर अंदर देख सकते हो कुछ तरह से हैं. पर यहाँ पे टीन डाली हुई है, ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, ये टीन टूट चुकी है एक यहाँ पे. गाइस यार यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से पूरा की पूरी जो भी वो वैली है ना पूरी की पूरी दिखाई देती है. तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं. तो यहाँ से देख सकते हो गाइस यार वो है वो वैली का जो कि ग्राउंड देख सकते हो. अभी आपको शायद कुछ बंदे भी दिखाई देंगे ग्रुप में, देख रहे हो एक ग्रुप में देखो आप, एक ग्रुप में यहाँ पे बंदे ना क्रिकेट खेल रहे हैं. तो काफ़ी यहाँ पे आजकल टूर्नामेंट भी चले हुए हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी आई मीन काफ़ी बढ़िया तरीके का व्यू दिखाई देता है. यहाँ पे देख सकते हो वो वैली की पूरी पूरी यहाँ से ना एकदम दिखाई देती है पूरे एकदम, देख सकते हो यहाँ के इधर का व्यू देखा जाए तो काफ़ी मस्त तरीके का दिखाई देता है. पहाड़ी पहाड़ है और उस तरफ भी देख ही सकते हो, काफ़ी आई मीन काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है गाइस यार यहाँ से ना. गाइस अगर ना यहाँ पे अभी धुंध ना पड़ी होती ना तो इससे और भी काफ़ी ज़्यादा आपको व्यू अच्छा दिखाई देता. और मगर अभी धुंध पड़ी हुई है तो जिससे कारण कि थोड़ा व्यू इतना बढ़िया था आपको नहीं दिखाई दे रहा है. मगर यहाँ पे ना स्नोफॉल तो देख लेते पूरे के पूरे उन पहाड़ों में ना स्नोफॉल गिरती है. मगर जब स्नोफॉल गिरती है ना
यहाँ का व्यू ना गाइस एकदम बहुत ही बहुत ही मस्त व्यू दिखाई देता है यहाँ से। चलो मैं कोशिश करूँगा जब स्नोफॉल गिरेंगी तब आऊँगा। अभी अभी भाई अभी आया हूँ तो अभी भी इतनी ठंड लग रही है मेरे को, तो तब आऊँगा तो भाई पता नहीं। और अभी देखते हैं, थोड़े इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यार घर को यहाँ से। A few moments later. यहाँ से घर गई है और नीचे तक जहाँ देख सकते हैं आप सड़क तक देख सकते हो, सड़क के सीधा आगे नीचे तक। तो गाइस यार अभी मैं ना जा रहा हूँ बैक, जैसा कि आपको अभी मैंने एक घर से घिरी हुई बताई, जो हाँ कि एक यहाँ पे एक घर भी चला गया था नीचे तक, काफ़ी मतलब लंबी घर गई हुई जहाँ से देख सकते, जहाँ से नीचे तक यहाँ के गांव दिखा रहे हैं उधर तक गई हुई थी। तो अभी तो मैं घर को जा रहा हूँ बैक, इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।